बोकारो पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। राज्य की पुलिस एक गैंग की तरह काम कर रही है। रांची के मांडर में ईंट भट्टा के मालिकों से वसूली की जा रही है। धनबाद में हो रहे अवैध कोयला तस्करी को लेकर सांसद विधायक की तरफ से सवाल नहीं उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि सभी लोग इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन विधायक सांसद के मुद्दों को वो सदन में उठाने की कोशिश करते हैं। बातें क्या है कि इसमें सरकार की जो पुलिस महकमे खासकर जिसका काम था कानून व्यवस्था को बनाए, चोर बदमाश गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना और उनको सजा देना, यदि सरकार ने उनका इस प्रकार से दुरुपयोग किया या कर रही कि आज राज्य में मानव वो एक वसूली गैंग की तरह पुलिस काम कर रही, अब हालत इतनी खराब है। कल हम रांची में ही थे तो मांडा तरफ से कुछ लड़के लोग आए थे, दो लोग बताया कि सर पुलिस ही जुआ खिलवा रही, जितना ईंट भट्टा वगैरह थे सब ईंट भट्टों से 50-50 हजार रुपए वसूला गया। जहां सरकार ही जब संलिप्त है, पहले जैसे कोई चोरी करता है लेकिन पुलिस से डरता है, लेकिन अगर उसमें पुलिस ही सम्मिलित हो जाए और पुलिस भी सरकार से डरती है, अगर सरकार ही उसमें सम्मिलित हो जाए तब तो फिर डर भाई समाप्त हो जाएगी ना। तो आज ये लेकिन प्रेम प्रकाश में तो ट्रेनिंग तो बोलते हैं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।